हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं बरेली। कहाँ कहाँ हम लोग घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सब हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, तो जुड़े रहे लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं चालू। बांसुरी चौराहा, बांसुरी केड़ा चौराहा है मैंने, बांसुरी चौराहा है। इसकी जो लाइटें नीचे वाली तो जलती, जो ऊपर लपेटी हुई वो फुक गई है थोड़े दिन में, मुझे लग रहा है जेबी नहीं होंगी, देखने वालने वाले नहीं है ना यहाँ लोग, तो नीचे रात में लाइटें जलती हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे चौराहे पे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं आगे बरेली के लिए। रास्ता जा रहा है बरेली को। अभी पहले हमने सुना है यहाँ पे सीएनजी पंप चल गया है, तो हम पहले सीएनजी डलाएंगे, देखते हैं भैया चला है या नहीं चला है। सीएनजी पंप पहुंच कर, सीएनजी पंप चल गया है पीलीभीत शहर में। अब किसी को भी सीएनजी डलवानी हो यहाँ पर आए, पीलीभीत तो बांसुरी चौराहे से बरेली रोड पे है एचपी पंप, तो एचपी पंप पे सीएनजी जो है वो अवेलेबल है। अब आप आए और सीएनजी डलवाएं और आराम से जहां मर्जी घूमे, क्योंकि सस्ते में घूमोगे आप। पेट्रोल हो गया है महंगा क्योंकि आप लोगों ने मोदी सरकार चुनी है, तो अब ये है लाइट भी कट रही है इतनी, क्योंकि लाइट घाटे में दिखाकर बेचनी होगी मोदी सरकार को, इसलिए भैया लाइट इसलिए काट रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कोयला खत्म हो गया है, अब घाटे में दिखाकर उसे भी बेचने की तैयारी है। तो इसलिए आप भैया सीएनजी से चलें, सस्ता पड़ेगा आपको। और हमारे पीलीभीत शहर में आ गया, बाकी पूरनपुर शहर में भी चलने ही वाला है सीएनजी पंप थोड़े दिनों में। पूरनपुर, कलीनगर, हर जगह सीएनजी अवेलेबल हो जाएगी थोड़े दिन में, बाकी आप कहीं भी डलवा सकते हैं। फिर अभी जो है पीलीभीत शहर में चालू है। लास्ट बार हमारी बुलेट का हो गया था प्रदूषण खत्म, तो उसका कराया था लास्ट वीडियो में, अभी किसका हुआ है कार का। हमारी सारी गाड़ियों में कुछ ना कुछ खत्म रहता है, कभी प्रदूषण, वैसे बीमे हुए तो सबके प्रदूषण ही खत्म होता है, और अभी हम लोगों ने प्रदूषण यहाँ बढ़िया से करा लिया है यहाँ पर, तो अब हम लोग निकलेंगे बरेली के लिए। तो हो गया प्रदूषण है, उसमें वो पाइप डाल दिया था उसने साइलेंसर में। चलो निकलते हैं फिर आगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल, आंखों के हॉस्पिटल। हमारे चाचा हैं, उनकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है, अमन के पापा के। तो अब हम लोग उनका कराएंगे ऑपरेशन यहाँ पर। ऑपरेशन होने के बाद जो भी लेंस वेंस लगने हैं लेंस लग जाएंगे। अब फिर उसके बाद हम लोग उन्हें यहाँ पर छोड़कर हम तो जा रहे हैं घूमने, हम निकलेंगे घूम के आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, और बाद में जब ऑपरेशन हो जाएगा तो उन्हें लेके जाएंगे घर, काला चश्मा लगवा के, बैल्डिंग वाला जो चश्मा होता है वो वाला लगवा के फिर लेके चलेंगे। भैया अभी हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग, यहाँ पर खाने पीने वाला इंतजाम, ये ले लिए बिस्कुट, नमकीन, दालें, अमन और की लेना, ओट्स तो तुमने ले लिए थे। अभी हमने ये जो लिया है घर का खाने का सामान, और अब देखते हैं आगे क्या लेते हैं। ये वाला जो पैकेट है, ये वाला भैया पीने के साथ बढ़िया है। लहसुन सेव चखना है, यहाँ चखना लगा हुआ है, जितना चाहे आप ले सकते हैं। ये बाई वन एक चखना था ना हमारा। ये चखना ही चखने से भर रही है ट्राली पूरी, ये देखो नीचे भी नमकीने लगी हुई थी। और इधर आए चखने, अमन ये लगा हुआ है जूस। तो भैया अभी हम लोगों ने कर ली है शॉपिंग, और हमने चखने आगे दो कार्टन भर के पीछे रख लिए। चखना समझते हो आप लोग क्या होता है। और अब हम लोग पी रहे हैं कोक, अब कोक पी के हम लोग निकलेंगे आगे जहाँ पर अभी तो घूमेंगे फिलहाल, उसके बाद हम लेंगे अपने चाचा को उठाएंगे उठाएंगे जो काला चश्मा वेल्डिंग वाला लगा होगा उनके उस टाइम, वो जरूर दिखाएंगे आपको जब काला चश्मा लगा होगा वेल्डिंग वाला। उनकी आंखें आज वेल्डिंग करवा दी है ना, तो काला चश्मा लगा हुआ है। तो अब हम लोग निकलेंगे आगे, देखते हैं फिर आगे मिलते हैं थोड़ी देर में। भैया अभी हम लोग आ गए मॉल, हमें लगी भूख तो हमने ऑर्डर कर लिया है, और ऑर्डर हमारा आ गया है, तो दिखाते हैं आपको क्या हमने मंगाया और क्या हम खाएंगे। भूख लगी है बहुत। तो क्या खा रहे हो? पिज्जा। कोक तो हमने पी ली है, कोक तो पी ली है।
A few moments later. भैया ये बड़ी जल्दी सफा चट कर दिया तुमने यार, हबशी था क्या? पूरे जानवरों की तरह खाया तूने, देख तेरी मुछे मुछा ते लग गया सारी, देख 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 ते ना ले भी दाढ़ी च फस गया हूं, दाढ़ी च तेरी दाढ़ी में फस गया देख तो। अरे व्हाइट व्हाइट चंगा नहीं लगन डे यार, दाढ़ी साफ कर। चले अब चले, चलो चलते हैं अब यार। हॉस्पिटल आ गए यहाँ पर, चाचा की हो गई आंखों का ऑपरेशन, अब उन्हें काला चश्मा लेने का बाकी रह गया है। क्यों हो गई? हाँ। अभी दिखाते हैं आपको चाचा का हाल। अब चाचा जी। हाँ जी। क्या हो गया? अखा यार ऑपरेशन कराया। और काला चश्मा लौड़ा पड़ा तनु सुन नहीं हों फिर ठीक है, तुम दारू पीते थे? हाँ दारू पीते। क्या कह रहे हैं? सुन नहीं हो रहा। दारू पीते हो? बोले ड्रिंक करते हो? हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, अपने घर की दारू ड्रिंक करता हूँ। अच्छा तो कैसे बनती? मैंने आज ना अच्छा तो भैया ये देखो तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं, घर की दारू पीता हूँ। हाँ मतलब घर की इंग्लिश दारू, घर पे लाके पीता हूँ तो घर की हो गई। हाँ घर की दारू हो गई ना, वो बाहर बैठ के पियो तो बाहर की हो गई। चाचा जी जो ब्लैक वाला चश्मा मिला है तुम्हें, वेल्डिंग करने वाला, केड़ी कंपनी का? बॉस, बॉस का चश्मा है, चाचा को मिल गया। चाचा की आंख देखो, कहते ये एक आंख पे पट्टी बांध रखी है, डॉक्टरों ने कर दिया ऑपरेशन, कांड कर दिया। अब ये चश्मा कल से लगेगा तुम्हारे, कल से लगनी है। हाँ कल से लगाना पड़ेगा चश्मा। और ये है दवाइयां भैया, भैया चले। अभी हम लोगों ने बनवा ली है चाचा की आंखें, काला चश्मा ले लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर, गाड़ी चला रहा है अमन। मैं आगे पहले गाड़ी चला रहा था, अभी मैं पीछे बैठ गया हूँ चाचा के पास आकर। और अब हम लोग निकलेंगे, सीधे घर ही जाना है हमें, और कहाँ जाएंगे हम तो। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।